राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरु गीता मोक्ष द्वार। श्री गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष राक्षस भूत चोर और शेर आदि का घात करती है। जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस श्री गुरु गीता का जप पाठ करते हैं, उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। श्री गुरु गीता। इस प्रकार निजानंद उस स्थिति में भी अपने शिष्यों को समझाने लगे। निजानंद के अंतर में निज का आनंद समा नहीं पा रहा था। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती थी, जहाँ जहाँ उनकी पुकार पहुँचती थी, वहाँ वे स्वयं ही निज स्वरूप हो जाते थे। निजानंद गुरु की याद ताज़ा कर रहे हैं। गुरु के सानिध्य में घटी संपूर्ण घटनाओं को हृदय पटल पर चित्रित करते हुए संसार को, संसार के संबंध को अलविदा कर रहे हैं। निजानंद स्वामी धन्य धन्य हो गए होंगे। गुरु चरणों में भावभोर निजानंद स्वामी के चरणों में अपने बारंबार नमस्कार हो। इस प्रकार के निजानंद गण सद्गुरु के सत्शिष्यगण एवं सद्भक्तगण भक्ति भाव में विभोर हो गुरु प्रेमी में जब रोते हैं, तब जिस स्थान पर उनके वे आंसू पड़ते हैं, वहाँ की भूमि कृतकृत्य हो जाती है, धन्य धन्य हो उठती है। उसमें तीर्थ की शक्ति आ जाती है। जहाँ गुरु भक्त अपने चरण रखते हैं, वह भूमि पूजी जाती है, उस धरा की धूल भी पूज्य है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। निजानंद निज गुरु की कृपा को पहचान कर गुरु बन गए। ज्ञान देव गुरु कृपा का परिचय पाकर गुरु तत्व को उपलब्ध हो गए। देवगढ़ के दीवान साहब जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ जी ने गुरु भक्ति में हंसते हंसते और गुरु प्रेम में रोते रोते जो प्राप्त किया, वह बड़े बड़े योगी भी नहीं पा सके। योगी तो आँखों को दबाकर, नाक कान को विविध प्रकार से परेशान करके, अनेकों प्रकार की साधनाएं एवं न जाने कितना परिश्रम करते हैं, तब कहीं जाकर मन शांत होता है। एकनाथ का मन तो गुरु सेवा से ही शांत हो जाता था। गुरु के स्मरण मात्र से उनका हृदय पवित्र हो जाता था और उस पावन हृदय ने हजारों हजारों शिष्यों के हृदय को पवित्र किया। संत एकनाथ के आश्रम में एक विधवा स्त्री का पुत्र रहता था। वह पूरण पूरी खाने का इतना शौकीन था कि लोग उसका वास्तविक नाम ही भूल गए थे और उसे पूरण पूरा के नाम से ही पुकारने लगे थे। यही उसका नाम रख लिया गया था। वह विशेष पढ़ा लिखा न था, परंतु वह सेवा और श्रद्धा के बल से गुरु कृपा का अधिकारी बन गया था। संत एकनाथ के आश्रम में बहुत वैभव था, खूब धन संपत्ति थी। उनका पुत्र काशी हो आया था, बड़ा विद्वान था। एकनाथ जी उन दिनों कोई ग्रंथ लिख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस ग्रंथ की पूर्ण आहुति कदाचित मैं न कर सकूं, उससे पूर्व मेरा शरीर शांत हो जाएगा। आप लोग मेरे पुत्र को यह ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना, परंतु मुझे आशा नहीं है कि वह इसे पूरा कर सकेगा। कारण कि वह मुझे पिता मानता है, गुरु नहीं मानता। शास्त्री हो गया है, विद्वान है, फलस्वरूप बुद्धि की गुत्थियाँ बड़ी हैं, परंतु हृदय का प्रसाद वह झेल नहीं सका है। अतः मेरा ग्रंथ पूरा करने में वह समर्थ नहीं है। इसके बावजूद तुम प्रयास तो करना, जब बात उसके बस से बाहर हो जाए, तब मेरे शिष्य पूरण पूरा को ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना। एकनाथ जी के अतरंग शिष्य यह सुनकर दंग रह गए। बोले, गुरुजी, यह आप क्या कह रहे हैं? उसे भात नहीं भाता, दाल भली नहीं लगती, रोटी खिचड़ी आदि नहीं भाती, हलवा तक अच्छा नहीं लगता, प्रतिदिन केवल पूरन पूरी ही खाता है, तिस पर बुद्धू है, तब वह यह ग्रंथ किस प्रकार पूरा कर सकेगा? संत एकनाथ जी ने कहा, अन्य सभी विषयों में वह बुद्धू है, परंतु गुरु भक्ति में वह सर्वप्रथम है। भले ही वह पढ़ने में अंगूठा छाप है, परंतु गुणातीत मस्ती को झेलने की क्षमता को प्राप्त कर चुका है। उसके हृदय के द्वार खुल चुके हैं। द्वार ही क्या खुले हैं, पूरी दीवार की दीवार ही हट गई है। गुरु के आदेश को वह पूरी तरह अपना लेता है। प्रसाद में मिले फल को छिलके व गुठली तक को वह बाहर नहीं फेंकता। गुरु की ओर से उसके पास जो कुछ भी आता है, वह अमृत फल का मधुर रस बन जाता है। वास्तव में गुठली और छिलके जैसी कोई वस्तु उसके पास पहुँचती ही नहीं। गुरु कृपा उसे इतना अधिक पवित्र बना चुकी है कि वह ग्रंथ पूरा कर सकेगा। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। पूरण पूरा विधवा स्त्री का वह पुत्र, जो पूरण पूरी खाने के शोक में अपनी बेढंगी आदतों के कारण अपना नाम तक खो बैठा था, अपने एक दिव्य स्वभाव के कारण महत्वपूर्ण हो गया।
उस पवित्र आदत में सभी बेढंगी आदतें दब गईं। सद्गुरु के प्रेम का ऐसा प्रभाव उठा जिसमें उसकी समस्त मूर्खताएं त्रोहित हो गईं। अंततो गत्वा वह ग्रंथ उसी ने पूरा किया। ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं जिनका स्मरण करके हम लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष धन्य हैं, यद्यपि उनकी देह तो विलीन हो गई, तथापि उनका व्यवहार, उनकी कृपा, उनके प्रसंगों को याद कर के आज भी हजारों लाखों लोग पावन होते हैं। यदि ऐसे ही कोई संत पुरुष जीवंत मिले तो फिर पूछना ही क्या, उनके आगे कोई सत शिष्य बन जाए तो शेष ही क्या रहे। और ऐसे शिष्यों के कारण ही भारत विश्व का गुरु बना है। वास्तव में स्वार्थी नेताओं के कारण, राजाओं अथवा सम्राटों के कारण विश्व के सम्मुख भारत का मस्तक ऊंचा है, ऐसा नहीं है। सद्गुरुओं के कारण और सत शिष्यों के कारण भारत उन्नत है। समग्र विश्व में गुरु स्थान को प्राप्त किए हुए हैं। इंग्लैंड लोहे और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका डॉलर के लिए प्रसिद्ध है, इटली शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है और भारत आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सत्शिष्य परिपक्व होते हैं और सत्शिष्य ही सदगुरु बन सकते हैं। सदगुरु ही सदु उपदेश का दान कर सकते हैं। उपदेश बेचा नहीं जा सकता, उसका दान नहीं हो सकता। इस कारण हम सदगुरु के ऋणी रहते हैं। सदगुरु का कर्जदार रहना विश्व का सर्वाधिक धनवान बनने से भी बड़े भाग्य की बात है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मानव में जो छुपा हुआ है उसे मानव अभी तक विकसित नहीं कर सका। वेद उपनिषद पुकार रहे हैं, भक्ति शास्त्र प्राण आदि पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आप अमृत पुत्र हैं और आप अपने को देह मान बैठे हैं। आपके बड़े भाग्य हैं कि अब आपने इस अमृतत्व के मार्ग पर कदम रखा है। अभी तो किनारे की झलक मिली है। इस आनंद सागर की शीतल लहरों को आप झेल सके हैं। इसके अमृत बिंदु आपके हृदय में उतर रहे हैं। आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आपको जो अमृत की बूंदें मिली हैं वह महापुरुषों का कृपा प्रसाद है, मेरे सदगुरु का कृपा प्रसाद है, भारतीय योग और वेदांत का कृपा प्रसाद है। आप इसका सर्ववंदन करते रहें, इसे विकसित करते रहें, जीवन भर बढ़ाते ही जाएं। इस संप्रांत चिंगारी को फूंकते रहिए, कभी बुझने न दीजिएगा। एक दिन आएगा जब इसमें ही एक अमर ज्योत जगमगा उठेगी। आपके हृदय में जो गुरुतत्व उतर सका है उसे मेरे नमस्कार। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।